बारिश का मौसम था तो मैंने कही जलेबी और समोसा। ये हमारा प्यारा सा बिट्टू, ये हमारा गंदा सा अन्नो। सब्जी बना ली। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। आज का जो व्लॉग है हमारा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। सुबह उठ के हाथ मुंह धो के और मैंने पिया एक ग्लास पानी पिया। पानी पीने के थोड़ी देर बाद में मैंने खाए भिगे हुए बादाम और किशमिश। रात को भिगो दिए थे मैंने, तो वो खाऊंगी मैं पहले। ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में ये बना है मतलब पराठे बने हैं, तो मैं खाऊंगी दो पराठे और चाय। अचार था बट संभलने का रखा था अचार का। पराठे और चाय बनाऊंगी, देखती हूँ थोड़ा सा अचार ले लेती हूँ। घर का अचार है मेरे पास। पराठा, अचार और चाय। मिर्च का अचार ये घर पे बनाया था मेरी मम्मी ने, बहुत अच्छा है। तो जस्ट अभी ना मेरा प्लान बना है कि मैं घर पे जाऊंगी, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड ममता वो भी घर चली गई है और मेरा खुद का अकेले का मन नहीं लग रहा। और मेरी मम्मी हैं वो भी मेरे पापा के पास में चली गई, दिल्ली रहते हैं मेरे पापा, जॉब करते हैं वहाँ पे, तो वो वहाँ पर चली गई है। तो अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ, उसके बाद नहा के और निकलूँगी। मैं ब्रेकफास्ट अभी जस्ट करा है मैंने, तो भूख तो इतनी है नहीं। तो मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए और यहाँ से मेरे को बस मिलती है ना, तो मेरे को वैसे मैं जा सकती हूँ डायरेक्ट, लेकिन मेरे को उस दिन बड़ी चौपड़ पर कोई काम था, तो मैं सबसे पहले बड़ी चौपड़ गई थी। तो जैसे मैं मतलब ऐसे बस में बैठी ना, तो इतनी तेज़ बारिश होने लगी है और पूरे रास्ते इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मतलब जयपुर का हाल देख लो कैसे सड़कें भरी पड़ी है। ये तो कुछ भी नहीं है, आप आगे देखना कितनी भरी पड़ी है सड़कें, ये तो थोड़ा बहुत ही पानी है। और सिर्फ 5 या 10 मिनट बारिश हुई थी उसमें तो सड़कें इतनी भर गई ना जयपुर की। ये बड़ी चौपड़ पहुंची थी मैं और वहाँ से सामान लिया था मैंने थोड़ा बहुत, दिखाऊंगी किसी दिन किसी व्लॉग में कि मैं बड़ी चौपड़ से क्या क्या लेके आई थी। उसके बाद मैंने यहाँ से बस ली और मैं गई अपने घर पे। और मतलब जाते हुए मेरी मतलब ये बस जो है मेरे घर तक जाती है, तो ये मतलब आप देखो इतना पानी भरा हुआ है ना, मतलब बहुत ज़्यादा। ये तो इस वाली सड़क पर पानी है, दूसरी तरफ की जो सड़क है उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई है ना, उस पर तो बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। देख रहे हो कितना पानी है। और उस दिन थी बकरीद थी और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, लोग मतलब ऐसे भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी है ना। और ये देखो जल महल के पास में भीड़ देख रहे हो,
मौसम बहुत तेज़ ज़्यादा ख़राब हो रहा था, पर बारिश रुक गई थी उस टाइम। लोग ऐसे जलमहल का नज़ारा ले रहे हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं घर पे बहुत मेहनत के बाद। आज बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, आपको आवाज नहीं आ रही होगी, घर पे चल के बात करते हैं। बस से उतरने के बाद जो मेरा भाई है वो मेरे को लेने के लिए आ गया था। और जब हम घर पे जाते हैं तो रास्ते में एक होटल पड़ता है, शिव विलास नाम है उसका। तो ये वाला होटल जो ये वाइट कलर का आपको दिखेगा आगे, ये वाला, इसमें जो लखन और जो नीतू है यूट्यूबर है जो दोनों, उनकी शादी यहीं हुई थी। सारे फंक्शन जो शादी के हैं उनके यहीं पर हुए थे। मैं लेके आई थी कुछ खाने के लिए क्योंकि मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट करा था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं करा। तो बारिश का मौसम ये तो मैं जबान में पता नहीं क्या हुआ, बारिश का मौसम था तो मैंने क्या ये जलेबी और जलेबी के साथ क्या होगा ये क्या होगा समोसा। तो पहले सिर्फ अभी मैं और मेरा भाई है तो मैं दो ही समोसे लेके आई हूँ। हम खा रहे जलेबी, मैंने पहले खा ली थी और खा रही हूँ इनके साथ। ये है हमारा प्यारा सा बिट्टू और ये है हमारा गंदा सा अन्नो। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। गंदा है ना, है ना अन्नो, गंदा है ना, है ना। नंगा होके वीडियोस डालना, ओके? तेरा नाम चड्डी निकाल लू। ये देखो बिट्टू का टिफिन, दिखाओ बिट्टू टिफिन, दिखाओ अपना। चम्मच नहीं डिब्बा, छोटे वाला डिब्बा। चम्मच कहाँ है? देखो ये पागल हाथी ले रखा है। चम्मच कहाँ पे है? क्या ये बिट्टू अन्ना? अरे वेरी गुड, ये देखो बिट्टू का टिफिन कितना अच्छा है, इसमें तो हाथी बना हुआ है, एक बंदर है। बंदर हाथी भालू, वेरी गुड। स्कूल जाओगे तो कहाँ से? कैसे जाओगे स्कूल? टिक 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 इतने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, फिर तो पेटलो भी वाला है। कहीं पेटलो, कहीं पेटलो। अच्छा ऐसे स्कूल जाएगा, बच्चों को कैसे पीटेगा ऐसे? मैं बटन पिटलो, पढ़ाई भी करोगे?
पढ़ाई कर। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और मम्मी तो है नहीं घर पे, तो मुझे बहुत सारा खाना बनाना पड़ेगा। तो मैं बना रही हूँ भिंडी, भिंडी की सब्जी बनाऊंगी। और क्या, भिंडी की सब्जी बनाऊंगी। तो आप भी मेरे साथ में आ जाओ, मैं कल आओ तभी बने रहेंगे। सबसे पहले हमें वॉश कर लेंगे भिंडी को। इसे मैंने भिंडी को धो लिया है, अभी गीली है, तो अभी मेरे को ना मतलब से लेके जाएगा, अगर मैं उनको से छोड़ दूंगी सूखने के लिए, मैं क्या करूँगी मतलब एक कपड़ा लूँगी और कपड़े पे इसको सुखाऊंगी। सबसे बड़ी दिक्कत है कि मेरा स्टैंड नहीं है मेरे पास में, तो मुझे ना इधर उधर फोन पर एडजस्ट करना पड़ता है। कोई बात नहीं, कभी आपके लिए दुकाना पड़ेगा। मैंने कपड़ा ले लिया है और उस पर मैं ये जो भिंडी है वो एक एक करके रख दूँगी। तो ये सारी भिंडियाँ हैं जो मैंने रख दी इसमें, अभी सूख जाएंगी। इतने में प्याज और लहसुन वगैरह छील लेती हूँ। सब्जी बना ली मेरे भाई ने, तो खाना खा भी लिया है। और रोटियाँ बनाई थी मैंने, मैंने भी ले रखा है। रोटी बनाई थी तो मैस हो गया थोड़ा सा, तो मैंने ले ली भिंडी और 2 चपाती और ये दही था, तो मेरे को छाछ मिली थी तो मैंने इसमें कर ली है छाछ। और अब हम खाना खा लेते हैं। रात बहुत लेट हो गया है, 10 बजे, 10:30 बज गए। और छाछ लेगा क्या तुम? तो बहुत लेट हो गया है, अब मैं खाना वाना खाऊंगी और मैं सो जाऊंगी, क्योंकि आज मैंने सारा दिन ऐसे इधर से उधर घूमना करा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।